सावधान हो जाइए, बिहार में इन दिनों बच्चों को एक नई बीमारी हो रही है। राज्य के पटना, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सारण, सिवान, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण समेत लगभग दर्जन भर जिलों में रहस्यमयी वायरल बुखार से हड़कंप मच गया है। सूबे के गोपालगंज जिले में दो और मुजफ्फरपुर जिले में एक बच्चे की मौत हो गई है। दिन प्रतिदिन बीमार बच्चों की संख्या भी लगातार बढ़ते ही जा रही है, जो डॉक्टरों के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। डॉक्टर भी टेंशन में है क्योंकि वे इस नए वायरस से अनजान है। राजधानी पटना में एम्स और पीएमसीएच समेत चार बड़े अस्पतालों में वायरल बुखार से पीड़ित लगभग 200 से ज्यादा बच्चे भर्ती हैं। पटना के पीएमसीएच में 30 नए बच्चों को भर्ती कराया गया है। पीएमसीएच में शिशु विभाग पीकू नीकू में 276 बेड है, जिसमें 131 बेड पर वायरल से पीड़ित बच्चे हैं, जबकि दूसरे बेडों पर अन्य बीमार से पीड़ित बच्चे हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, सारण, गोपालगंज, सिवान और पश्चिमी चंपारण में भी यह बुखार तेजी से फैल रहा है। बुधवार को मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 40 व केजरीवाल अस्पताल में 25 बच्चों को भर्ती कराया गया है। इस बीच एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में भर्ती पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली निवासी अमित कुमार की एक्सप्रेशनल निमोनिया से मौत हो गई। उसे दो दिन पहले गंभीर स्थिति में भर्ती कराया गया था। अमित कुमार की उम्र महज 11 वर्ष थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गोपालगंज सदर अस्पताल में प्रतिदिन 300 समेत जिले में वायरल बुखार से पीड़ित 400 के करीब बच्चे इलाज को अस्पताल में पहुंच रहे हैं। बुधवार को सदर अस्पताल में एक और दूसरे बच्चे की पटना ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। कुचायकोट थाना क्षेत्र के भटवा गांव के जवाहरलाल मिश्रा के पुत्र 10 वर्षीय अभिषेक कुमार की आज सुबह मौत हो गई। मांझा प्रखंड के धोबवलिया गाँव की गुड़िया खातून की 3 वर्षीय पुत्री फायका खातून की भी जान चली गई। बिहार में वायरल बुखार बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। वायरल बुखार के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि अब राज्य सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। प्रदेश के अंदर बच्चों में वायरल बुखार के बढ़ते मामलों को लेकर सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पताल और प्राथमिक चिकित्सा अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों के स्वास्थ्य में हो रहे बदलाव को गंभीरता से लेने और उनके इलाज को प्राथमिकता में शामिल करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की 3 टीमों को मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सिवान भेजा है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह के मुताबिक बच्चों के वायरल बुखार, सर्दी, खांसी, निमोनिया से संबंधित कई मामले अस्पतालों में आए हैं। इसको लेकर सभी जिलों के सरकारी अस्पताल को अलर्ट कर दिया गया है। डॉक्टरों की ड्यूटी के दौरान मौजूद रहने को हिदायत दी गई है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गोपालगंज, सिवान, वैशाली और अन्य जिलों में बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने से स्वास्थ्य व्यवस्था को अलर्ट किया गया है। जांच में सामने आया है कि बच्चे निमोनिया और अन्य बीमारियों से पीड़ित है। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर में भर्ती 30 बच्चों में निमोनिया के लक्षण है। सभी बच्चे सामान्य इलाज से ठीक हो रहे हैं। इसके अलावा 75 बच्चे मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में भर्ती हैं। ये बच्चे अलग अलग बीमारियों की शिकायत लेकर अस्पताल आए थे। इनमें से कुछ बच्चों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पीएमसीएच में भर्ती 122 बच्चों में से 13 को निमोनिया है। बाकी बच्चे पेट दर्द, टीबी, डिहाइड्रेशन, हेपेटाइटिस, हार्ट और किडनी की समस्या से पीड़ित है। एनएमसीएच में 18 बच्चे निमोनिया से प्रभावित है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।